नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में रहने वाले हमारे पेशेंट राजीव कुमार जी के बारे में, जो 35 वर्ष के हैं और इनको पिछले 3 साल से पाइल्स की समस्या थी। इनको रेक्टम एरिया के बाहर और अंदर दोनों ही तरफ मस्से थे। फ्रेश होने के दौरान अंदर वाला मस्सा इनको बाहर आ जाता था। ये मस्से से के कारण इनको फ्रेश होने में ऑब्स्ट्रक्शन फील होता था, यानी कि स्टूल रुक रुक कर आता था, स्टूल इनका हार्ड रहता था और एक बार में इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था फ्रेश होने में। इसके अलावा इनको गैस काफ़ी बनती थी, कभी कभी इनके सीने में जलन होने लगती थी और सर में भी दर्द हो जाता था। इनको फ्रेश होने के दौरान कभी कभी दर्द और चुभन भी रहती थी। इसके अलावा जब ये किसी भी कड़े सरफेस पर या ज़्यादा देर तक बैठ जाते थे तो इनके पूरे रेक्टम एरिया में सूजन आ जाती थी। 3 महीने पहले ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी इन सभी समस्याओं को हमसे साझा किया। आज इन सभी समस्याओं में इनको लगभग 90% तक आराम है। वी क्लिनिक से मैं डॉक्टर शशांक वाजपेयी, आइए हम लोग इनका फीडबैक जानते हैं। हेलो हेलो, कुमार जी से बात हो रही है? जी सर। नमस्कार सर, मैं वी क्लिनिक होम्योपैथिक कानपुर से बात कर रहा हूँ सर। सर कैसे हैं सर अभी आप हमारे मेडिसिन से? परसेंट सर आराम हो गया है। अच्छा अच्छा सर, सर क्या प्रॉब्लम हो रही थी सर, बता पाएंगे आप? पाइल्स की दिक्कत थी, वही सुबह टाइम रस होने में थोड़ा मस्सा बाहर से आ जाता था एकदम। अच्छा अच्छा सर, सर अभी आपको कितने परसेंट तक आराम हो गया? 80% आराम है सर। अच्छा 80% आराम हो गया। सर दवा लेने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी सर आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, जैसे सर आप सही हो गए और लोगों को भी हमारे क्लिनिक के बारे में बताइएगा। ठीक। यदि आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।